बीस साल लगे तय करने में कौन गलत है कौन सही है आपके आपका दोस्त अचानक से आपके खिलाफ में कुछ कर गया और आप बोलते हैं अरे सला आस्तीन का सांप निकला बरबर है आप बीस साल तक तय नहीं कर पाए क्यों सही है गलत है हमको बोलते हो पांच मिनट में तय करो कैसे करोगे हम फाइलों से नहीं खेल रहे हम आदमी से खेल रहे हैं वही आदमी जो एक बार अच्छा व्यवहार करता है दूसरा अच्छा व्यवहार तीसरा बार करता है वही आदमी जो अचानक से उग्र हो जाता है वही आदमी जिसको पता ही नहीं कैसा बिहेव करेगा कभी कभी कोई पत्रकार अपना बड़ी अच्छी बात करता है लगता है कितना सज्जन आदमी है अचानक से वो एकदम किसी स्पॉट पर मिलता है बोलता है साहेब आंसर दिया तुम्हें कह देते नहीं आंसर बेहद एकदम अलग हो जाता है वो तो वो हम आदमियों से खिल रहे हैं और आदमियों से खिलना इतना आसान नहीं है आदमियों के इमोशंस अलग अलग है इसलिए हम ये तय नहीं कर सकते पांच मिनट के अंदर हमको बोला जाता है बच्ची का रेप हो गया है एक दो घंटे के अंदर अगर आरोपी नहीं पकड़ा गया तो हम थाना जला देंगे अरे बाबा कैसे जला दोगे क्या कोई हमारे पास मशीन है क्या दो ही आंखें हमारे पास दो ही हाथ हैं हमारे पास हमको तो टाइम दीजिए आप और एक्सीडेंट हो गया हम गाड़ी जला देते समाज में जो पुलिस के ऊपर प्रेशर है वो प्रेशर मैंने जिंदगी में कभी भी किसी भी जगह किसी पर नहीं देखा इतना प्रेशर है काम करने का और रिजल्ट देने का काम करना अलग बात रिजल्ट देना अलग है एक आदमी दस से पाँच बजे तक ऑफिस में बैठता है और वो दस से पाँच बैठ करके बैठ बैठ करके फाइल इंस्क्रूट नहीं करते हुए साइन करता है वो गलती कैसे करेगा जगर, अगर वो ईमानदार है तो लेकिन हम तो गलती करने के लिए ही पैदा हुए हैं हमारी गलती रोज होती है हमसे हमने एक को बोला चलिए भाई आप ए यहाँ पर खड़ा मत कीजिए गाड़ी आप आगे खड़ा कीजिए बोलेगा तुम्हें कौन हम बोलेंगे उसे कि मैं या ठिकाने या मधे सिपाही है माजा बक्कल नंबर ऐसा ऐसा है अन नाम ऐसा ऐसा है तुम्हें गाड़ी जरा प्लीज जरा आगे करो कौन मानना जी बाब स कोई नहीं मानता वो क्या बोले अरे रुकना यार थोड़ी देर में हटा रहा हूँ गाड़ी इसलिए क्या बोलना पड़ता है गाड़ी अड़ा तो ये आवाज़ का अंतर है अब बोलेंगे आप आप बोलेंगे ऐसा पुलिस को बोलने का तमीज़ नहीं है पुलिस बोलती है ऐसे बोलती है पुलिस देखिए हम पढ़े लिखे हैं अरे बाबा क्या करें हम हमारा पाला ही रोज ऐसे लोगों से पढ़ रहा है हमारे हम पे एक और आरोप है कि आप थाने में आए हुए जो आदमी एप्लीकेशन दे रहा है उसी से क्वेश्चन पूछते हैं बरोबर है ना वो क्या करें थाने में देने वाला रिपोर्ट में से बीस में से दो केस ऐसे आते हैं जिसमें वही आरोपी मर्डर करने वाला निकलता है हमारी ज़िंदगी का आधार क्या है हमारी ट्रेनिंग का आधार क्या है शक अगर शक नहीं होगा अगर शक से बात नहीं करेंगे हम तो हम कुछ नहीं पकड़ पाएंगे कैसे कभी तुमने सोचा है कि वो फलाना वो बोलता है कि फलाने फलाने प्लेटफॉर्म पर चार चार के जी आर डी एक्स सांपड़ कैसे सांपड़ वो कर्मचारी जा जाकर शक करता है क्या है इसमें बता ये इसमें क्या है तो कह हर आदमी में शक करना है हमको हमारी ट्रेनिंग शक की है तो उसमें ऐसी बुरा मानने की बात किया है हम बोलते हैं सब सिक्योर होना चाहिए पुलिस की कमजोरी हो गई वहां पर ये हो गया यहां पर ये हो गया। पुलिस क्या कर रही थी सो रही थी क्या बैठ रही थी खा रही थी क्या और तो और कई लोग तो कैमरा ले लेकर के पहुंचते ये पुलिस हो रही। सो रही है अरे बाबा इंसान है सोएगा नहीं क्या आप उनको मत देखिए तो दस से पांच करते हैं हम चौबीस घंटे काम करते हैं हमको भी जीने का अधिकार है हमको पता ही नहीं है कि हम कब खाएंगे तुम्हें तो पता है पुलिस वालों के जो पेट बड़े हुए हैं उसका कारण जानते हो मैंने पूरा स्टडी किया पूरा एकदम उसका एक स्टडी किया काय का एकदम एक एक साइंटिफिक तो मुझे मालूम चला डॉक्टरों से बात करने के बाद कि इनकी हैबिट क्या हो गई है कि अगली बार खाना का मिलेगा कि नहीं पता नहीं इसलिए पहली बार हम ज़्यादा खा जाओ जहाँ मिल जाए ज़्यादा खा जाओ तो ऐसी सिचुएशन में मैं मेरे पास वानखेड़ी स्टेडियम है ये वाला जहाँ मैच होते हैं क्रिकेट मैच तो मैं सिक्योरिटी के लिए जब लोगों को लगाता हूँ तो चेक करने में लोग बोलगा हमें आतंकवादी चेक होना नहीं चाहता आदमी हिंदुस्तान में हाँ अमेरिका जाएगा तो चुपचाप बेल्ट निकाल देगा बेल्ट निकाल देगा सब निकाल देगा दो घंटे खड़ा रहेगा लेकिन यार नहीं चेक होगा गाड़ी हर एक बी वी की और वी की भी एकदम एंड तक जाना चाहिए और एक हाथ बार ऑफिसर या कोई बड़ा आदमी मान भी जाएगा लेकिन उनकी बीबियाँ नहीं मानती गाड़ी एकदम एंड तक जाना चाहिए वो कौन आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो हमको करने दीजिए ना काम अपना जिसको रोकेंगे वो बोलेगा माला मात तुम्हारा महत्व नहीं कौन है हमें जिसको बोलेंगे बोलता है तुम्हारा अच्छा नंबर सांग तुमचा बिल्ला सांग तुम्हारा सस्पेंड कर तो अरे क्या समाज है समाज में अगर आप सम्मान देंगे पुलिस को तो सम्मान पुलिस भी देगी आपको जब आप ही सम्मान नहीं दे रहे हर एक आदमी बोलता है मैं एडवोकेट हूँ हर आदमी बोलता है मैं ये हूँ मैं वो हूँ तो इस तरह इस चक्कर में क्या हो रहा है समाज में पुलिस की जो लैंग्वेज है वो रफ हो रही है खराब हो रही है दूसरी बात जो करप्शन की बात है मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ आंकड़ों के साथ कहता हूँ पुलिस से ज़्यादा करप्शन दूसरे डिपार्टमेंट्स में है लेकिन हमारा हमारा क्यों बाहर है क्यों आपके सामने पहुँच रहा है क्योंकि हम वर्दी पहने हुए हैं हमारे पास नाम लिखा हुआ है ये मैं अगर यहाँ से वहाँ तक जाते समय किसी से पाँच सौ रुपये लूँगा तो पचास लोग देखकर बोलेंगे ये साहब गए थे ये मनोज कुमार शर्मा थे लेकिन कोई सिविलियन जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कौन गया कहाँ से गया कैसे गया दूसरी बात दूसरे डिपार्टमेंट्स को सरकार पैसा देती है जाओ फलाने फलाने गाँव में बीस कुआ खोदो फ्री में बरूबर तो वो दस कुआ खोदेगा दस का पैसा खा जाएगा तो दस का जिसका खुद गया है वो अच्छा बोलने वाला है ना दस को तो पता ही नहीं है कि मेरे लिए भी आया था हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम जो पैसे डिमांड कर रहे हैं वो चलते हुए रोड वाले कर रहे हैं तेरा चालान करते हैं तेरा ये करते हैं इसलिए हम लोग बदनाम ज़्यादा है देखते ज़्यादा है लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है हकीकत ऐसी है कि महाराष्ट्र में कम से कम 80 से पचासी परसेंट पुलिस वाले दिन रात काम करते हैं हर समय काम करते हैं मेहनत से काम करते हैं और इसीलिए आप देखिए बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाते हैं हमारी समस्या ये है मैं आज आपके सामने रखता हूँ इस बात को कि हमारी समस्या ये है कि जब तक मुद्दा बड़ा है तब तक तो मीडिया पूरा ध्यान देती है जब मुद्दा छोटा हो गया तो मीडिया को तो देख ये नहीं दिखाती कि ये सॉल्व भी हो गया है मैं बताता हूँ आपको छोटा उदाहरण देता हूँ अहमदनगर में एक बहुत बड़ा कांड हुआ दलित कम्युनिटी के साथ में आंदोलन कुछ बच्चों को मार दिया गया था तीन एक दो साल पहले एक साल डेढ़ साल पहले क्या जगह का नाम था मैं भूल गया हाँ कुछ तो भी था अब उसमें बहुत रोज बहस चलती थी रोज बहस पुलिस पर पुलिस पर पुलिस पर ऐसा लगता था कि अब क्या कर रहे हैं आंदोलन ये सब दो महीने बाद ये तय हुआ कि घर वालों ही मारा है बरबर है ना अभी कुछ दिन पुरानी बहुत महाराष्ट्र में बहुत, बहुत, बहुत चला था रोज आंदोलन उसके बाद मीडिया चुप हो गई बोली नहीं एक सेंटेंस नहीं बोली क्या करें हम अरे बाबा कुछ तो बोलो दो महीने तक हमारी जान खाई है एक दिन तो बोलो कम से कम तो द प्रॉब्लम क्या है कि हमारा समाज नकारात्मक चीज़ों को लेने के लिए तैयार है टी आर पी टी कुछ दिक्कतें हैं और इसीलिए जो अभी हमारा देश इस, इस जिस जगह खड़ा हुआ है वहाँ से अब देखो आगे बढ़ने का एकदम टेक ऑफ की पोजिशन में है अब देखिए मीडिया सकारात्मक चीज़ों की तरफ जा रही है अब जाना शुरू कर दिया लोगों ने अब मेरे पास लोग आते हैं सर कुछ कुछ पॉजिटिव स्टोरी दीजिए इसका मतलब ये कि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं